अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट वन की, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022, जिसे सेकंड एनुअल एग्जाम 2022 भी कहा जाता है, करवा रहे हैं। एक्चुअल में ये हेल्ड 2023 के अंदर ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना मैथ के पोर्शन से लास्ट अपना चैप्टर शुरू किए हुए हैं। डैट चैप्टर इज लीनियर साइमल्टेनियस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें ये चैप्टर नहीं आता क्योंकि ये हमें टफ लगता है। तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर टफ ना लगे, आप इसमें से अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, और इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर जो कि चैप्टर है हमारे पास लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके अंदर ना तीन किस्म के ना टॉपिक्स हैं। एक है आपके पास लीनियर इक्वेशन, एक है आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन, और एक है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, देखिए डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा, आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन में। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म की भी होती है। जैसे अब ये आज लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसका वन वेरिएबल होता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स इतनी सी बात याद रखिएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। जिस भी लाइन के अंदर आपको इक्वल टू जीरो नजर आ जाए तो ये आपकी एक इक्वेशन होती है। अब इसमें एक्स प्लस वन मीन्स एक्स एक है, वेरिएबल एक है, तो इसको आप लीनियर इक्वेशन बोलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लीनियर इक्वेशन के इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या वो चीजें पूछ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो जो आपसे पूछता है, आपने ना ये पास्ट पेपर के अंदर भी ना अक्सर देखा होगा, वो कहता है द सम ऑफ टू ओड ओ डबल डी ओड इंटीजर इज 140, फाइंड नंबर। कहता है आपके पास दो इंटीजर हैं ओड। अच्छा, इंटीजर ओड क्या है, इंटीजर क्या है, इंटीजर वर्ड इंटीजर क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन पहले ना लाइन को समझिए। द सम ऑफ टू ओड इंटीजर, दो आपके पास ओड नंबर हैं, ओड इंटीजर हैं, उनको अगर हम प्लस करें ना तो हमारे पास 140 आता है, फाइंड द नंबर। कहता है वो दो नंबर बताओ कौन से हैं। ये आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो स्टूडेंट्स बात सबसे पहले यहां पर देखो, सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपकी गिनती के अंदर, आपकी गिनती के अंदर तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो इंटीजर कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्लस, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर और सो ऑन, ये तमाम क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इसी तरह माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और सो ऑन, ये तमाम आपके क्या हैं? इंटीजर्स। तो अगर आपके पास दो इंटीजर्स हों ओड, ओड मींस क्या होते हैं? वो जुमले या वो अदद जो दो के पहाड़े पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते, दो के टेबल पर। मिसाल के तौर पर वन, वन को टू के ऊपर डिवाइड करो तो आपका पॉइंट में आंसर आता है। थ्री, थ्री को टू के ऊपर डिवाइड करो तो आपका पॉइंट में आंसर आता है। जैसे फाइव, फाइव को टू के ऊपर डिवाइड करो तो आपका फिर भी आंसर किस में आता है? पॉइंट के अंदर आता है। तो ये आपके पास ओड नंबर हैं। ऐसे वर्ड्स जो पूरा पूरा टू के टेबल के ऊपर डिवाइड ना हो उनको क्या कहते हैं? ओड वर्ड्स या ओड इंटीजर्स। ठीक है, तो दो आपके पास ओड इंटीजर्स हो उनको जमा किया जाए तो 140 आए, फाइंड द नंबर, उन नंबर को बताएं वो नंबर कौन से हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं आपने इसी तरीके को लेके चलना है। चाहे इस तरीके के अंदर आपको चाहे इवन नंबर दे दे, ओड नंबर दे दे, या सिंपल इंटीजर भी कह दे, तो ये इजी वे है। देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन, SOL, सॉल्व, लेट, लेट फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, ओड इंटीजर, इंटीजर क्योंकि हमने ओड लेना है, इंटीजर इज एक्स प्लस वन। ले जी, पहला क्या हमने लिया, सॉरी टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन। अब सेकंड हमने लेना है, सेकंड ओड इंटीजर इज या इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3, क्योंकि आपके पास, आपको पता है ना, देखिए 2x ये सेम ही रखना है, ये सेम ही रखना है चाहे आपका ओड हो इवन हो। 2x प्लस 1, पहला हमने 1 लिया, दूसरा 1 के बाद ओड नंबर कौन सा होता है? 3 होता है, 2 नहीं होता, 2 2 के
टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए टू को आप ओड इंटीजर नहीं कह सकते। हाँ, टू आपका इवन इंटीजर है, ठीक है ना। तो वन टू एक्स प्लस वन एक आपने ले लिया, टू एक्स प्लस थ्री दूसरा आपने ले लिया। तो अब क्या करें, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, 140। तो इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, आप लिखोगे, ये देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 1, फिर दरमियान में फिर प्लस है। ये प्लस किस चीज का, क्योंकि उसने दशम कहा हुआ है, दशम 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 140। अब देखिए x की टर्म को जमा करें, 2x और 2x आपके पास कितना बन गया, ये बन गया 4x प्लस 3 और 1 4, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 140। अब इस 4 को उठा के इस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 4x is equal to 140 minus 4, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 4x is equal to 136। अब ये x की रकम आपको चाहिए तो इस तरफ भी डिवाइड 4 कर दें, इस तरफ भी डिवाइड 4 कर दें, तो आप क्या करेंगे, 4x divided by 4, 4 4 से कटा, is equal to 136 divided by 4। अब 136 को ना 4 के ऊपर डिवाइड करें तो 4 3s are 12, 4 3s are 12 और 4 4s are 16, यानी कि 34। तो x is equal to आपके पास कितना आ गया, 34। लें जी स्टूडेंट्स, ये आपका वो इंटीजर आ गया जिससे आप ना क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट टू, आप ये दो इंटीजर मालूम कर सकते हो जिनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास 140 आएगा। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब देखिएगा यहां से मैं वो दो इंटीजर कैसे मालूम करता हूं। तो देखें, ये x की जो वैल्यू है जो कि आपके पास 34 आई है, इसको किस में पुट कर दो, फर्स्ट इंटीजर में जो कि आपके पास है 2x plus 1, और इसी x is equal to 34 को सेकंड इंटीजर में पुट कर दो जो कि आपके पास है 2x plus 3। तो मैं पुट करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं put x is equal to 34 in first integer, first odd integer, first odd इंटीजर। तो फर्स्ट ऑड इंटीजर आपके पास क्या है, 2x प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 ऐसे कैसे, x is equal to x की जगह आपके पास 34 लिखेंगे प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, 34 को 2 के ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 68 प्लस 1 किया तो ये आ गया आपके पास 69। ले स्टूडेंट्स, एक नंबर तो आपका क्या आ गया, 69। अब इसी x is equal to 34 को किस में पुट कर दो, सेकंड इंटीजर में। तो यहां पे लिखो पुट x is equal to 34 in second integer, integer। तो second integer आपके पास क्या है, 2x plus 3 is equal to 2 ऐसे कैसे, x is equal to x की का 34 आया, x की वैल्यू 34 है plus 3। तो स्टूडेंट्स x 34 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 68 में आप 3 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 71। ले स्टूडेंट्स, ये दो नंबर आपके पास ऐसे हैं जो कि आपके इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 140 आना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 69, सेकंड हमारे पास क्या है, 71। तो इन दोनों को प्लस करें तो 69 में 71 प्लस करें स्टूडेंट्स आपके पास 140 ही आता है, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। लेकिन एक बात यहां पे अज्यूम करें, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो बहुत आसान है, इससे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों वैल्यूज कौन कौन सी हैं जिनको हम जमा करेंगे तो 140 आएगा। लेकिन आपका जो आंसर आना चाहिए ना वो भी ऑड नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों उसने कहा द सम ऑफ टू ओड इंटीजर्स, कहता जो आपके पास सम आया ना, जवाब आया, वो दो वैल्यूज को जमा करो, वो दोनों ओड होने चाहिए। पहली आपके पास क्या है, 69, तो 69 एक ओड नंबर है कि इवन नंबर है, किसी में ना पता चले तो दो वैल्यूज हो उसके एंड वाला वैल्यू देख लिया करो क्या वो 2 के ऊपर डिवाइड होती है पूरी। तो 69 में 9 का 2 के ऊपर पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ये एक ओड इंटीजर है। 71 तो 1 क्या पूरा डिवाइड होता है 2 के ऊपर, नहीं होता, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, ये भी आपका एक ओड इंटीजर है। तो दोनों ओड इंटीजर ही मेरे जवाब आए हैं, दोनों को मैंने जमा किया तो 140 ही आता है। ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्या, लीनियर इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये सीखा कि द सम ऑफ टू ओड इंटीजर इज 140, फाइंड द नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, मैं एक ऐसी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। आप कह रहे होंगे सर टू इंटीजर का तो पता चल गया ओड इंटीजर, अगर हमारे पास ओड इंटीजर से 3 हो तब हम उनका सम करें तो हमारे पास क्या वही आंसर आएगा जो हमें उसने गिवन किया होगा। तो हम एक ऐसी एग्जांपल भी देखते हैं, मैंने ये चीजें आप आपके पास पेपर से उठाई हुई हैं जो कि उसने मोस्टली टाइम रिपीट की हुई हैं। तो देखें वो कहता है द सम SUM सम ऑफ थ्री ओड इंटीजर इज 129 129 फाइंड नंबर्स। तो नंबर्स बताओ, आपको पता है 3 नंबर का सम करना है तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो भी कितने आएंगे, 3 ही आएंगे, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने को क्या करना है,
सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, 2x plus 1, दूसरा कौन? देखिए 2x आपने सेम रख रहे हैं, चाहे आपके पास कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपको इवन नंबर की बात करें, ओड नंबर की बात करें, सिंपल सिंपल इंटीजर्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स आपने 2x को 2x ही रखना है, ठीक है। तो 2x plus 1 एक नंबर हो गया, 2x plus 3 दूसरा नंबर हो गया, तीसरा कौन सा आया, 2x plus 5, 4 नहीं, क्योंकि 4 तो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, हमें ओड चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सोल्यूशन, लेट फर्स्ट ओड इंटीजर, ओड इंटीजर इज 2x plus 1, ले जी, सेकंड ओड इंटीजर इज 2x plus 3, थर्ड ओड इंटीजर इज इक्वल टू 2x plus 5, ले स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को सम करूंगा और वो किसके इक्वल रखूंगा, 129 के इक्वल रखूंगा, लास्ट टाइम मैंने 140 के इक्वल रखा था, ठीक है ना। तो देखिए मैं लिखता हूं 2x plus 1 plus, दरमियान में प्लस, क्योंकि ये प्लस कौन सा, द सम ऑफ, ठीक है ना, 2x plus 3 plus 2x plus 5, ये दरमियान में जो प्लस है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये कौन सा प्लस है, ये प्लस ये वाला, द सम ऑफ 3 odd integer, तो sum का क्या मतलब होता है, plus, sum, add, ये तमाम words जो हैं ये plus को जाहिर करते हैं। अब देखिए x की कितनी, 2x की कितनी terms हैं, 3, 2x, 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 तो तीनों को जमा किया, 2x, 2x, 4x, फिर 4, फिर 2x, 6x, अब 6x ये हो गया, इसके अलावा आपके पास 1, 3 और 5, 5, 3, 8 और 1, 9, तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा, 6x plus 9 is equal to 129, अब ये 9 को इस तरफ ले आएं, क्योंकि ये सिंपल सिंपल है, इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, ये इस तरफ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6x is equal to 129 minus 9, तो ये कितना बन जाएगा, 6x is equal to 120, अब divided by 6 करें on both sides, 6x divided by 6, 6 से कटा is equal to 120 divided by 6, अब 6 2s are 12 और 0 का 0 ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू, x इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, 20, ले स्टूडेंट्स। ये x जो आपने इंटीजर्स, 3 ओड इंटीजर्स मालूम करने के लिए लाना था ना, ये x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20। अब हम ना तीनों के अंदर 1 बाय 1 पुट करते हैं और हमारे पास तीनों जो जवाब आएंगे उनको जमा करके ये देखेंगे, पहले ये देखेंगे क्या तीनों ओड आ रहे हैं, ओड आए तो तीनों को जमा करके हमें ये देखना है कि 129 आना चाहिए। तो अब हम पुट करते हैं, पुट x is equal to 20 in first integer, first odd integer, first odd integer, अब देखें 2x plus 1 is equal to 2, ऐसे कैसे, x 20 plus 1, तो 20 को 2 से multiply दिया तो 22 और 40, 40 में 1 plus किया तो 41, ले जी पहला odd integer आपके पास क्या आया, 41, तो 41 का ये odd integer है, जी बिल्कुल, क्योंकि 1 जो है वो 2 के ऊपर divide नहीं होता पूरा पूरा। अब हम second में ये x की value put करते हैं, x is equal to 20 second integer में, तो मैं लिखता हूं put x is equal to 20 in second in odd integer, second odd integer, तो second odd integer मेरे पास क्या है, 2x plus 3 is equal to 2, ऐसे कैसे, x की value कितनी है, 20 plus 3, तो 40 जमा 3 कितना किया, 43, ले स्टूडेंट्स। अब ये भी odd आया, first integer 41 आया, वो भी odd था, second integer 43 आया, तो ये भी odd है, क्योंकि 3 जो है वो 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पास second integer आ गया। अब x की value, x is equal to 20, इसको पुट करते हैं in third odd integer, integer, अब third odd integer हमारे पास क्या है, 2x plus 5, इधर देखिएगा students ध्यान से, 2 ऐसे कैसे, इधर 20 आएगा x की value plus 5, तो 40 जमा 5 45, ले students तीनों मेरे पास odd integer आए हैं, 41 भी एक odd integer है, 43 भी एक odd integer है, 45 भी एक odd integer है, मैं odd क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 45 में 5 जो है ये 2 के ऊपर divide नहीं होता पूरा पूरा, 43 में 3 जो है ये 2 के ऊपर divide नहीं होता पूरा पूरा, 41 में 1 जो है ये 2 के ऊपर divide नहीं होता पूरा पूरा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास ये क्या है, ये एक odd integer है। अगर आप कैलकुलेटर से भी 41 को divide by 2 करेंगे तो आपके पास पूरा पूरा जवाब नहीं आएगा, ठीक है ना, आप करके भी देख सकते हैं। अच्छा, इन तीनों को जमा करें तो क्या हमारे पास 129 आता है, तो तीनों को जमा करके देखते हैं, 41, 43,
45, अब ये आ गया 4481219, बिल्कुल जी ये ले 129 आपके पास, तीनों को जमा करेंगे 129 आंसर आ गया। तो नीचे आपने क्या लिख देना है, द थ्री नंबर्स आर 41, 43 एंड 45। स्टूडेंट्स ये ओड का कंसेप्ट में यही आएगा, ओड के कंसेप्ट में आपसे यही पूछ सकते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा तीन नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है ओड, या दो नंबर इंटीजर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है, अगर वो फोर भी पूछे ना कंसेप्ट आपने यही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इवन इंटीजर आप किस तरह, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अगर वो हमें ये कहे द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज समथिंग, कुछ भी कह दे तो फाइंड द नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसे इंटीजर दो के पहाड़े पर, दो के टेबल के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। लेट्स सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ये तमाम ऐसे इंटीजर्स हैं जो दो के टेबल के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इनको कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन देखिएगा जरा बहुत तवज्जो से, आपने इस क्वेश्चन को भी देखना है। फाइंड द सम ऑफ टू में लिखने लगा हूं TWO टू EVEN इवन, ये वर्ड साथ मेंशन करेगा इवन या ओड का। इंटीजर इज 66, फाइंड नंबर, वो नंबर बताओ। अगर 66 से दो इंटीजर को जमा करें, इवन इंटीजर को जमा करें तो आपके पास 66 हो, तो फाइंड द इंटीजर। अच्छा अब हम क्या रखेंगे, फर्स्ट इंटीजर क्या रखेंगे, 2x+1, नहीं हम 2x तो रखेंगे, प्लस 1 ही रखेंगे। देखिए 1 तो आपका ओड इंटीजर है, 2x+2, और दूसरा क्या रखेंगे, 2x+3, नहीं 3 तो हमारे पास एक ओड इंटीजर है, तो हम दूसरा रखेंगे 2x+4। तो ले स्टूडेंट्स ये आई होप सो आपको पता चल गया। लेट मैं लिखता हूं, लेट द फर्स्ट FIRST फर्स्ट EVEN, ये वर्ड साथ में मेंशन करना है, इवन इंटीजर इज या इज इक्वल टू 2x+2। ले पहले वाला ये हो गया, सेकंड वन क्या है, सेकेंड EVEN इवन इंटीजर इज इक्वल टू 2x+4। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जमा करें, 2x+2 + 2x+4 इज इक्वल टू 66। अब 2x और 2x ये आ गया 4x प्लस 2 और 4 6 इज इक्वल टू 66। अब इस 6 को उठा के इस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास बन जाता है 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 6, ये बन जाता है 4x इज इक्वल टू 60। अब 4x डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से कटा, इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। अब 15 जाता है 4 को, जब 60 को जब 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 4 1 4 और 4 5 आपके पास क्या आ जाएगा 20, तो ये 15 आ गया, x is equal to 15 आ गया। ले स्टूडेंट्स अब मैं ना ये x की वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ फर्स्ट इंटीजर में और सेकंड इंटीजर में, और देखता हूँ मेरे पास 2 इवन नंबर आने चाहिए, और वो जो दोनों इवन नंबर आए उनको जमा करके मेरे पास आंसर 66 ही आना चाहिए। तो हम करते हैं, मैं लिखता हूँ पुट इस आंसर को, पुट x इज इक्वल टू 30 नहीं पुट x इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट FIRST फर्स्ट EVEN इवन इंटीजर। तो फर्स्ट इवन इंटीजर आपके पास क्या था, 2x+2 इज इक्वल टू 2x से आपके पास कितना है 15 + 2, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 + 2 आपके पास कितना था 32। ले स्टूडेंट्स ये पहला तो आपके पास इवन आ गया क्योंकि 32 है, एंड पे 2 आ रहा है, तो 2 किसको शो करता है, 2 इवन नंबर को शो करता है, तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो सेकंड इस x की वैल्यू को पुट, x is equal to 15 in second EVEN even integer, तो second even integer में इसको put किया तो आपके पास क्या आता है 2x+4 is equal to 2, ऐसे ये 15 + 4, तो ये आ जाएगा 30 + 4 = 34। ले स्टूडेंट्स ये आपके पास 34 आ गया, ये भी इवन इंटीजर ही आया, तो दोनों को जमा करते हैं 30 और 30 60 64 और 2 66 आपके पास आते हैं, इन दोनों को भी जमा कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप नीचे क्या लिखोगे, द सम ऑफ द नंबर द टू इवन नंबर्स आर 32 एंड 34। ले स्टूडेंट्स ये इवन का कंसेप्ट है। अब इस इवन के कंसेप्ट में अगर आपको थ्री नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह दे, फोर नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह दे, तो आपने क्या करना है, थ्री नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह दे तो आपने करना है, देखिए सम कुछ भी हो सकता है, 140 150 230 260 कुछ भी हो सकता है। अपने कंसेप्ट को कभी आपने अब क्या करना है, इसको घुमाना नहीं है, कंसेप्ट को आपने इधर से इधर नहीं करना। देखिए अगर तीन नंबर कह दे तो फर्स्ट इवन इंटीजर क्या बनेगा, 2x+2, सेकंड क्या बनेगा 2x+4, ये तो हमने पढ़ लिया, थर्ड क्या बनेगा 2x+6, फोर कह दे तो 2x+8,
सिंपल सी बात है, और उन तमाम को हम जमा करके फिर हम अलग-अलग से x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था, इवन इंटीजर। लेकिन अगर आपको सिंपल इंटीजर की वो बात कर दे, वो किस तरह क्वेश्चन होता है जरा ध्यान से देखिएगा। हमने इवन इंटीजर्स की बात कर ली, हमने ओड इंटीजर्स की भी बात कर ली। तो अगर हमें सिंपल इंटीजर की वो बात करें जिसमें हमें ये ना बोले कि इवन है या ओड है, तब हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट ही है, इसके अंदर एग्जांपल इसको तवज्जो से देख लीजिएगा बस। इसके अंदर, इस लीनियर इक्वेशन के अंदर मजीद कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपने सीखा है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, कहेगा द सम जमा करें ऑफ टू दो कंजेक्टिव, कौन कंजेक्टिव, कंजेक्टिव का होता है मुसलसल, कंजेक्टिव इंटीजर, इंटीजर इज 99, फाइंड नंबर। अब कहते दो 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 लें आप, क्या लें, ऐसे ऐसे वर्ड्स दो लें जो ना ओड हो ना इवन हो, लेकिन कंजेक्टिव हो, मुसलसल हो, एक के बाद दूसरा लाजमी आता है। जैसे वन है, वन के बाद टू, टू टू के बाद थ्री, अगर मैं फर्स्ट को टू अज्यूम करता हूं तो सेकंड में थ्री अज्यूम करना पड़ेगा। इवन और ओड के तरह नहीं मुझे करना पड़ेगा, ओड में तो हम ये करते थे पहला अगर हम टू एक्स प्लस वन लेते थे तो दूसरा हमें टू एक्स प्लस थ्री लेना पड़ता था और तीसरा हमें टू एक्स प्लस फाइव लेना पड़ता था। इवन में हम क्या करते थे, अगर हमने पहला टू एक्स प्लस टू अज्यूम किया हुआ है तो सेकंड हमें 2x plus 4 और थर्ड हमें 2x plus 6 अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन कहता है यहां पे आप क्या करो, मुसलसल दो ऐसे मुसलसल जिनके अंदर आपको गैप नहीं रखना, ना इवन का गैप रखना ना ओड का गैप रखना, उन दोनों को फर्ज करो, फर्ज करने के बाद उसका सम 99 आएगा तो मुझे वो नंबर्स बताओ, वो नंबर इवन भी आ सकता है, उनका जवाब ओड भी आ सकता है, ठीक है ना। आएगा मुसलसल, मुसलसल का क्या मतलब है ये भी देखिएगा जरा तवज्जो से। तो मुसलसल की बात कर रहा हूं ना, कंजेक्टिव की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखता हूं लेट द फर्स्ट, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट कंजेक्टिव, कंजेक्टिव इंटीजर, इंटीजर इज 2x प्लस 1, लें जी पहला मैंने यही रखा। सेकंड, सेकंड कंजेक्टिव इंटीजर इज 2x प्लस 2, लें स्टूडेंट्स मैंने 1 के बाद 2 रखा, मैं मुसलसल, अगर मैं पहला अज्यूम करता 2x plus 5, दूसरा मैंने अज्यूम करना था 2x plus 6, अगर मैंने पहला अज्यूम करता 2x plus 11, तो दूसरा मैं अज्यूम करता 2x plus 12, मैंने कंजेक्टिव की बात उसने मुझसे की है, ठीक है, ये शर्त रखी हुई है। अब देखिएगा मैं इन दोनों को जमा करता हूं, मैं लिखता हूं 2x plus 1 plus दरमियान में 2x plus 2 is equal to 99, अब देखिए 2x और 2x 4x plus 3 is equal to 99, इस 3 को इस तरफ ले जाए तो 4x is equal to 99 minus 3, तो 4x is equal to 96, अब 4x divided by 4, 4, 4 से कटा, 96 divided by 4, अब 4 2s are 8, 4 2s are 8, 16, और ये आपके पास आ गया 24, x is equal to 24, लें स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 24 आई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि इस x की वैल्यू को दोनों कंजेक्टिव इंटीजर के अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है, और हमारे पास जो दोनों आंसर आने चाहिए ना वो बराबर आने चाहिए, उनके अंदर गैप नहीं आना चाहिए, ये हमें उसने कहा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये लिखता हूं, मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 24 इन फर्स्ट एफ आई आर एस टी, फर्स्ट कंजेक्टिव, कंजेक्टिव इंटीजर, इंटीजर, तो फर्स्ट कंजेक्टिव इंटीजर क्या, 2x प्लस 1, तो देखिएगा जरा 2 ऐसे कैसे, 2x की जगह 24 और प्लस 1, अब देखिए 24 को 2 पे, 24 को 2 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आता है, 4 2s are 8, 2 48, ठीक है ना, 48 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आया, 49, ले जी पहला आंसर आपके पास क्या आ गया, 49। हां इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे पास इवन आता है या ओड आता है, उसने मुझे ये नहीं था बताया हुआ। अब मैं करता हूं पुट x is equal to 24 in second, second consecutive integer, तो second consecutive integer मेरे पास क्या है, 2x plus 2 is equal to 2, ऐसे कैसे, x की value 24 plus 2, तो यह आ जाएगा 48, 48 plus 2 आपके पास 50, लें स्टूडेंट्स 50 और 49 99, तो देखें 49 के बाद मेरा 50 आना चाहिए था जवाब, ना ही मेरा ओड में आना चाहिए था, ना ही मेरा इवन में आना चाहिए था, ना ही इनके अंदर गैप नहीं था होना चाहिए, चाहे ओड में है, देखें
एक इसमें है ओड में 49 एक ओड नंबर है, दो के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, 50 आपके पास एक इवन नंबर है, ये दो के ऊपर डिवाइड हो जाता है 50, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, आपके पास पॉइंट में आंस नहीं आता, इशारिया में आपके पास आंस नहीं आता, तो इसका मतलब देखो एक इवन आया एक ओड आया, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास दोनों, अगर मेरे पास पहले का पहला जवाब 49 आता तो दूसरा जवाब मेरे पास 50 आना चाहिए था जो कि मेरे पास आया, अगर पहला जवाब मेरे पास 47 आता तो दूसरा आंस मेरे पास 48 ही आना चाहिए था, हाँ प्लस करके मेरे पास 99 वो भी आना चाहिए था, वो भी शर्त मेरे पास पूरी होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स ये आपके एक के पास क्या हो गया, ये नंबर दो कंजेक्टिव नंबर आप क्या लिखेंगे एंड के ऊपर वो कौन से हैं 49 एंड 50। ये था आपका लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट के अंदर, आपको पेपर में ये चीजें वो पूछ सकता है, इवन का कंसेप्ट, ओड का कंसेप्ट और कंजेक्टिव इंटीजर का कंसेप्ट। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स, मैंने अपने हद तक कोशिश किया कि आपके लेवल तक जाके आपको समझाने की मैं कोशिश करूं। इसके अलावा आपको कोई भी इशू है, कोई क्यूरी है स्पेशली बिजनेस स्टैट की इस हमारी जो स्कीम के रिलेटेड, तो आपने लाजमी मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना है। आई होप सो आपको ये यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा होगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।